अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अब सब कैसे हैं? तो आज आप भी देख रहे होंगे कि आज हम कहाँ आ गए। तो जी जनाब, आज हम आए हैं सिंदबाद बच्चों को लेके। बहुत टाइम के बाद कहीं बच्चों को घुमाने लेके गई थी, बच्चे खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी इसमें अपने साथ शामिल किया जाए ताकि आप भी हमारे साथ मज़े करें खूब। तो यहाँ पर हम वेंचर में बैठे हुए थे, आहद ने बहुत ज़िद किया मम्मा आ जाइए बहुत मज़ा आएगा, तो ना चाहते हुए भी मैं भी बैठ गई क्योंकि बच्चे खुश हो रहे थे। तो पहले वाले में हमारी बारी नहीं आई थी, उसमें लाल पूरी शाल चले गए थे, सेकंड टाइम में हमारी बारी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत मज़े कर रहे थे, आप देख सकते हैं बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर बड़ा खुश होते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनका साथ दें। तो मैंने कहा क्यों ना उनके साथ हम भी एंजॉय करें। यहाँ आप सुन सकते हैं लाली विशाल की आवाज़ें, देखें कितना खुश है और गाने गा रही है, नाम तो नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या कर रही है। तो बच्चे हैं, बच्चे खुश ही होते हैं। और यहाँ हम पहुंचे थे सिंदबाद। देखिए किस तरह भाग रही है और इस कदर का शोर है, हॉर्न है, सीटियाँ बजा ही जा रहे हैं, बस आते ही समय रश से हो गया है और रश भी बहुत है यहाँ पे, लोगों का रश है। यहाँ पे बैंड्स मिलते हैं, लोग उसकी जितने लंग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और आगे वो चार तरह हमारे और हम यहाँ पे जा रहे हैं टिकट लेने, तो आप हमारे साथ रहिएगा। टिकट ले लिए हैं, यहाँ से उधर और ये देखिए कितनी अच्छी गिफ्ट शॉप्स बनी हुई हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे है और लोग आ भी रहे थे। मैंने जो है म्यूट कर दिया था, वॉइस म्यूट कर दी है क्योंकि जो है ना यहाँ पे म्यूज़िक था, तो मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ फूल से मिल रहे थे, अच्छे थे लोग, बस देख रहे थे। यहाँ पर लोग आते हैं तो बस कोई चीज़ ले ही लेते हैं, लाली विशाल विजिट कर रही थी। तो मैंने इंशाल्लाह लाली से भी यही कहा, बस घूमने आए हो तो आप लोग घूमो, ये जगह शॉपिंग की थोड़ी तो नहीं है। मैंने कहा आप राइड्स देखो, आपने कौन कौन सी राइड्स लेनी है, आप उस तरफ चलो ताकि हमारा टाइम सेफ हो, क्योंकि रात का टाइम था और रश भी बहुत था और ज़रूरत, हम अकेले थे।
छोटे देवर को लेके चली गई थी मैं, बच्चों को लेके, हस्बैंड थे भी नहीं और उनको पता भी नहीं था। मैं कहा बहुत लेट हो जाएगा फिर हमें प्रॉब्लम होगी। बड़ी मुश्किलों से बच्चे मानते हैं, यकीन करें, बाहर तो जाते ही बस वो कहते हैं ये भी ले लें वो भी ले लें वो भी ले लें, समझ में ही नहीं आता। घूमना भी है और चीज़ें भी लेनी हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनका तो बस क्या कहना, समझते नहीं हैं। अब परेशान है, इसमें बैठे क्रेज में है, ड्रॉप टावर पर बैठे हैं और इनको यह है कि आहत कह रहा हमने इसमें नहीं बैठना और बच्चे कह रहे हमने इनमें बैठना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों को अकेले तो बिठा नहीं सकती थी, तो मैं आहत को यही कह रही थी आहत आप बड़े हो आप साथ बैठो, इस तरह की राइड लो जिसमें आप बहनें भी बैठ जाएं। कैमरा भी हमारा बार बार रुक रहा था, पहले तो मैंने सोचा कि मैं लाइव कर लेती हूँ, फिर ये था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था और विशाल दारेब जो है ना यहाँ पागल हुई थी, यहाँ पर ये आहा टिकट ले रहा था। आहा भी हमारा ऐसे ही है बस अपनी ही करता है और यह लारी विशाल का दिखे समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं। अब डर भी लग रहा था, कह रही थी भाई बैठेगा तो हम बैठेंगे। अब इतने पागल हैं सबकी बारियां आ रही थी या पीछे बाहर खड़े हैं, मैं कह रही थी आगे जाओ इस तरह से आपकी बारी नहीं आएगी। एक दफ़ा तो हम ये लोग वापस आ गए, फिर सेकंड टाइम में फिर इनको फिर दोबारा बारी मिली, वो भी मैंने फिर गुस्सा किया, मैंने कहा अगर दूर खड़े रहोगे तो फिर खड़े ही रह जाओगे। यहाँ पे इतना म्यूज़िक था तो मैंने म्यूट कर दिया था, यहाँ बड़ी ख़तरनाक राइड थी ये भी। लारी विशाल तो बहुत डर रही थी लेकिन शौक की क्या बात है, शौक में बैठ गई थी। मैं भी इस तरह की राइड्स नहीं ले सकती क्योंकि चक्कर बहुत हो जाएगा, खौफ आता है मुझे। बच्चे वो बड़ा भाई बैठा तो उनकी शौक में बैठ गई, उनकी चीखें निकल रही थी यकीन है, इतना खतरनाक था ये। अल्लाह मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ तो मैं हैरान रह जाते, मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था, बैकग्राउंड में म्यूजिक इतना था और ऊपर से लोगों का शोर, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया था यकीन करें। एक तो रश, ऊपर से गर्मी और ऊपर से लोगों की चीखें डर के मारे। और यहाँ पे भी देखिए सब मसरूफ थे, छोटे छोटे से बच्चे इधर से उधर उधर से उधर, आहत को तो समझ में ही नहीं आता था, इसमें भी बैठ जाओ उसमें भी बैठ जाओ। इसके लिए टिकट लेने जा रहे हैं लोग फ्लाइट में, ये भी बड़ी खतरनाक फ्लाइट है। एक तो बड़ा एक साल से कम उम्र के बच्चे इसमें बैठ नहीं सकते थे और लारी लारी विशाल की मर्जी नहीं थी, अब वो भी जिद करिए हम भी बैठेंगे, लेकिन मैं बैठना मना करते छोटे बच्चे ना बैठे, लोग बैठा भी रहते हैं कहते थे जिम्मेदारी पे बैठे, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं बैठाऊँगी, मैंने कहा इंशाल्लाह आओ आप लोग ना बैठो आहत को बैठने दो, आहत बड़ा है लेकिन बच्चे है ना वो रोज रहते हैं, आप लोगों को भी बैठे बैठा दें। बाय बाय ये चढ़े हैं ऊपर, ये देखिए कितना खतरनाक है, अभी पूरा ये हल्का 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 करके ऊपर जाएगा तो ऊपर से एकदम जम मार के पानी में कैसा रहा कपड़े दिखा गीले हो गए।
यहाँ पे हम सब लाइन लगा के खड़े हो गए थे, बच्चे भी जीत कर रहे थे, मम्मा आ भी जाएंगे, मज़ा आएगा। तो एकदम इतना सारा रश हो गया था, ऑलरेडी लोग वेटिंग में थे और हमारे बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। अब लोग उस तरफ से निकल गए और ये देखें पीछे पीछे रहे, हमारी बारी पीछे रह गई, नारी विशाल चली गई। अब मैंने कहा हम लोग रुक जाते हैं, पहले इन दोनों को देख के आने के दो। क्या हरकत है, पागल है, बच्चे पागल हो गए थे इधर से उधर उधर से। मैं हम तीनों बाद में चलो मीटिंग पे रहो गए और बच्चे वहाँ पर चले गए। अब ये लोग आ रहे हैं, एसी तक नहीं था, इतनी घुटन हो रही थी कैसे मुझे, बस आहत की जिद करने पर मैं बैठ गई थी वरना मैं बैठती नहीं। और जैसे जब बिल्कुल बंद हो जाता है ना, एक गर्मी हब से इतना था और फिर वो ऊपर से का म्यूज़िक शोर इतना था, इतना शोर बैकग्राउंड पे, इतना शोर था, आप ही देख सकते हैं। इस तरह से जा रहे थे, यकीन करें मैं तो दुआ कर रही थी जल्दी से ख़त्म हो तो मैं नीचे उतर जाऊँ, थोड़ी देर और नहीं इस तरह रहता ना तो बस मेरा तो हशर ही बुरा हो जाता, सांस लेने में घुटन महसूस हो रही थी, बिल्कुल बंद था और फैन भी नहीं था, एसी भी बंद था, इनका या स्लो था पता नहीं क्या था, एकदम घुटन घुटन सी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे इसका इतना शोर था, इतना शोर और इतना म्यूजिक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तो शुक्र है हमारे टाइम पे जो ना सब बड़े बड़े थे, बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। और विशाल आ रहे तो दोनों बेचारी अकेली गई थी, मैंने आ तो कहा था चले जाओ। आज जिद करके बैठ तो गए हैं लेकिन आहत भी खुश नहीं थे, मामा टाइम वेस्ट हो गया। मैं कब आपको समझाता, आपको समझ में ही नहीं आती। ये देखो बस लोग फ्रेश हो जाते हैं वीकेंड पे आके, थोड़ा सा लोग इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ तो मैंने देखा ज़्यादातर बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बच्चे भी थे फैमिली के साथ, लेकिन अमूमन कपल कपल ही ज़्यादा आए हुए थे। मुझे भी जैसे मतलब सब बिजी होते हैं, यहाँ पे टाइम शुक्र है ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ईशा आरिफ हमारा इंतज़ार कर रही थी, परेशान हो जाती हैं। अभी देखें यहाँ खाने पीने का भी था इंतज़ाम, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, पार्क छोटा है, असल पार्क छोटा है लेकिन अच्छा साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर लोग शिप पर बैठे इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतनी राइड थी, मैंने तो ज़ाहिर बात है टाइम की कमी की वजह से, अब मोबाइल भी इतना चार्ज नहीं था तो मैंने इतनी जो है ना कम ही मैंने वीडियो बनाई। फिर मैं क्या अगर ज़्यादा बनाने लगूँगी, ज़ाहिर बात हम 2 घंटे के थे, अब 2 घंटे की बनाते तो ज़ाहिर सी बात है इस जगह। अब यहाँ पर बच्चे जिद करने लगे हम इसमें बैठेंगे, डिस्को डांस इतना ख़तरनाक था कि मैं आपको क्या बताऊँ। लारी विशाल जिद करके बैठी है इसमें,
बच्चे हैं ना, समझते नहीं है, इज्जत करते हैं। तो बाद में इनको पता चलता है, कुछ राइड्स इतनी थी कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, बहुत स्पीड से चलती हैं। अभी इनकी जिद हो गई थी पूरी, मैं कह बस अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब हम घर चलते हैं, बच्चे इतना इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वैसे तो मैंने कढ़ाई घर में बना कर ही आई हूँ, चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, लेकिन जब बच्चे बाहर जाते ना, ये देखें ड्रॉप टावर क्रेजी बस, तो बस फूड कोर्ट पे चले। मैंने कहा फूड कोर्ट पे सही नहीं है, सारा दिन ऐसे ही होता है। मैंने कहा मैं कुछ फ्रेश खिला देती हूँ, मैं कहा घर लेते हुए चलता, हिम्मत नहीं है कहीं बैठने की। मैंने कहा खाना हम यहीं से घर ले कर चलते हैं और फिर आराम से वहाँ बैठ के खाएंगे, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। मैं कहा सकून से पहले हाथ धो के फ्रेश हो गए, फिर चलने के और यहाँ हम घर की तरफ निकल गए थे। शुक्र है बच्चे तैयार हो गए थे, वरना बच्चे मानते ही ना है, आपको तो पता है बाहर आके तो सुनते ही नहीं है। फिर खाना के लिए जिद हो रहा था, वो कह रहा मैं ये नहीं खाऊँगा, वो कहती मैं वो नहीं खाऊँगी। पूरे रास्ते भी हम यही डिसाइड करते गए हम करने तो क्या करें। यहाँ लग रही थी भूख तो यहाँ पे खाना लेते हुए, कुछ बच्चों ने कहा बिरयानी खाएंगे, बाकी हमने पिज्ज़ा खाना है। और ये देखिए ये मम्मी सब पिज्ज़ा है, चिकन बिरयानी है। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का करते हैं एंड, फिर इसके नए व्लॉग के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।